जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान 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 मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान पाकिस्तान तेरी क्या पहचान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के द्वारा दो दिन पहले संयुक्त राष्ट्र की बैठक में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के खिलाफ जो अमर्यादित टिप्पणी की गई थी उसके विरोध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सीकर के जाट बाजार में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का पुतला जलाया है। बिलावल भुट्टो ने इतनी बड़ी गलती की है कि आने वाले समय में उसका परिणाम पूरे पाकिस्तान की जनता को भुगतना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो भूल गया है कि अब इस देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी जिसके नाम से पूरी दुनिया कांपती है, ऐसे प्रधानमंत्री के खिलाफ उसने अमर्यादित टिप्पणी की है। मैं पाकिस्तान से मांग करता हूँ कि या तो उसको जल्द से जल्द सरेआम सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। और एक तरह में वैसे तो मैं किसी के परिवार पे नहीं जाना चाहता, लेकिन बिलावल भुट्टो का इतिहास आपको पता होगा, उसकी माँ का इतिहास आपको पता होगा, वो गैर मर्दों के साथ विदेशों में सोया करती थी, इसलिए उसको हमारे देश के ऊपर अंगुली उठाने से पहले अपने परिवार की पीढ़ी का बायोडाटा ले लेना चाहिए। मैं एक बार पुनः भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा पाकिस्तान से विदेश मंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ जो गलत आवाज उठाई है उसके खिलाफ सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। भारतीय जनता पार्टी ने कल पूरे प्रदेश विदेश में जितने भी दूतावास है पाकिस्तान के हर जगह प्रदर्शन किया था, इसी के तहत आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने सीकर में प्रदर्शन किया है। जय भारत जय हिंद। स्वदेश शर्मा, भाजपा युवा मोर्चा, सीकर जिला अध्यक्ष।